सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आ चुके एक और वीडियो के साथ। तो आज लेके आए NS160। ये NS160 की वीडियो है। साउंड तो वाकई में बहुत गजबी है। तो आज का ये व्लॉग NS160 पे ही बन रहा है, क्योंकि मैं जो है NS160 लेके आया हूँ। नहीं, सेकंड लेके आया हूँ, पर मेरे लिए नहीं है। तो ये व्लॉग उसी के ऊपर है। तो आज हम इसकी टेस्ट राइडिंग करेंगे, कैसी क्या बाइक है। माइलेज तो आपको पता है, वो 40-45 के आसपास ही देती है, बट इसकी टेस्ट राइडिंग करके देखेंगे हम कैसी बाइक है। तो गाइस, बाइक तो एकदम परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। वो पैड होगी माइलेज, और मतलब कि माइलेज तो आपको पता है कितनी देती है, तो बता ही दिया है। बट इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। सेकेंड के हिसाब से अगर इसकी मेंटेनेंस करेंगे तो बाइक वाकई थोड़ी खींचते हैं। गाइस पिकअप तो लाजवाब है इसका, कोई तोड़ नहीं पिकअप का। आपने देखा अभी थोड़ी देर में छील की रफ्तार पकड़ ली इसने। और इसको बोलते घोड़ा, घोड़ा है गाइस ये, घोड़ा। ये देखो, दैट इज अ घोड़ा। बाइक तो बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और माइलेज अभी मैंने चेक नहीं करा। आप कमेंट करोगे तो मैं माइलेज टेस्टिंग की वीडियो बना दूंगा। सही है, बाइक को अपने को लगभग इतने की पड़ गई है, 80K+ की। गाइस बाइक चाहिए थी मेरे को पेमेंट नहीं देखना था, बाइक मिल गई है। अब डेली वीडियो आएगी आपके लिए, तो आप बस इंतज़ार करिएगा, टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी डेली व्लॉग के हिसाब से। तो आज इसके हम टेस्ट राइडिंग करने के लिए मार्केट में थोड़ी निकले हैं। बाकी गाइस बोले तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है गाड़ी, मज़ा आ गया मुझे तो। परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है। ओ भाई कहाँ रोक रहा यार, इंडिकेटर तो दे देता, इंडिकेटर भी नहीं देते यार। चलो कोई बात ना, अपना काम। ओह हो गाइस, पिकअप बहुत ही अल्टीमेट है इसका, वेरी बहुत ही अल्टीमेट पिकअप, कोई तोड़ नहीं पिकअप का। तो NS की कोई सी भी ले लो गाइस, 25, 200, 160 पिकअप के मामले में ये है ना, बोले तो एकदम बाप है बाप। पिकअप के मामले में बाप है, कंट्रोलिंग बहुत प्यारी है। अगर आप सेकंड लेते हो ना, तो आपको इंजन मेन है, तो आप कभी भी सेकंड लो तो इंजन देख के लेना। अब गाइस हम आगे से टर्न लेंगे और सीधा वापस रिटर्न जाएंगे। सेकंड बाइक में वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही रहती है, वो अपने को मेंटेन करना है। और ठंड भी थोड़ी सी लग रही है। गाड़ी लाए हैं तो इसको चलाएंगे भी, दौड़ाएंगे भी, उड़ाएंगे भी। नहीं उड़ाएंगे तो नहीं, बस दौड़ाएंगे। ये कुछ ज़्यादा हो जाता है गाइस, थोड़ा सा ये कीचड़ है, इसलिए मैं ना ज़्यादा रेस नहीं, तो फिसल सकती है गाड़ी, तो उसमें थोड़ा डर लगता है। आपको ये पता है अभी है, पिकअप अच्छा है, बट अगर और एक दो सर्विसिंग हो गई ना, पिकअप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, अल्टीमेट हो जाएगा। एक काम करो भाई, रोड खरीद लो पूरा, हमको रहने दो। भाई 70 की स्पीड तो ये हंसते हंसते पकड़ लेती है, हंसते हंसते। आ जाओ ऊपर चढ़ा दे मेरे। हाँ गाइस एकदम अल्टीमेट यार, बहुत ही गजब गाड़ी। तो यार सही बताऊँ ना, देखो ये भी फिसली गाड़ी, ये इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी, कि एकदम इसको रेस देते हैं ना तो थोड़ी फिसल जाए। इसके लिए होना चाहिए पूरा सूखा रोड, एकदम सूखा रोड होगा ना तो एकदम बोले तो गाड़ी एकदम मज़े ही आ जाएगी। तो गवर्नमेंट्स के नियम पता है, अभी नए आ चुके हैं, उनका ध्यान रखते हुए वहाँ पर ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराना है, प्रॉपर कर रखें गाड़ी को। अब धीरे धीरे करके GoPro भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। ये एक रिएक्शन छोटा आ चुका है, धीरे धीरे रिएक्शन आने वाला है। अभी गाड़ी अपन धीरे धीरे अपन वीडियो लोग बनाएंगे ना, तो रिएक्शन धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा। आई जैसे नहीं आएगा, अभी एग्जॉस्ट लग जाएगा ना, साउंड तेज रहेगा ना, तो और अच्छा आएगा। अभी यहाँ गली मोहल्ला है, यहाँ तेज नहीं भगाएंगे अपन, क्योंकि क्या रहता है, ओ पप्पन पिल्लो, छोटा सा पिल्लो मोबाइल हल्का हल्का लेग मार रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी का अब स्टार्टिंग हो चुकी है अच्छी गाइस, तो धीरे धीरे करके
पीछे वाला मेरे हेलमेट में घुसा के पीछे वाले को देखो तो हेलमेट में आइस। तो आ चुके हैं अपन ये घर अपने